किया गया, टाइट रखा गया मेरे लिए, किसी से मिलने नहीं दिया गया। अब जो जेल में मेरे लिए टाइट व्यवस्था किए थे उनको भी धन्यवाद, चाहे वो बेउर हो चाहे वो मदुरई हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मनीष का सब 2 साल तक बाहर तो आने से रहे, अब 9 महीने बाहर आ गए, तो कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात, मैं वादा करता हूँ कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति। क्या बात है, क्या बात है, मान गई है। दुर्योधन को उम्मीद था कि अज्ञातवास के बाद पांडव जो है कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कंस को भी उम्मीद था कि उसकी बहन जो है बच्चे को जन्म देगी और हम मार देंगे। रावण को भी अपने बाहुबल पे और सब पे घमंड था कि राम तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। फाइनली हुआ कि आप सभी को पता है कलयुग में कंस का राज तो नहीं चलने देगा। अच्छा, एक जाते जाते या फिर जो कह रहे हैं लोग नेता बनेंगे, सीएम बनेंगे, माइक हमेशा साथ रहेगा, इतना जान लीजिए। और अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात, मैं वादा करता हूँ कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति। क्या बात है, क्या बात है, मनीष भैया जो है जेल से बाहर आ चुके हैं और साफ साफ बोल दिया कि माइक कभी नहीं माइक कभी हम छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। हालांकि देख पा रहे हैं आप।